हेलो डे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से देखना है इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, पहले इस टेबल को समझे। अगर टेबल समझ में आ गई तो इसके अंदर क्या लिखना होता है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एक तो इसके अंदर दे रखा है फिक्स फैक्टर्स, तो फिक्स फैक्टर तो फिक्स फैक्टर है। जैसे मान लेते हैं लैंड, तो लैंड तो लैंड ही है बेटा, ठीक है ना। एक खेत है तो एक खेती रहेगी, है ना। तो मान लेते हैं एक खेत है तो एक है, एक है, एक है, ये सिक्स टाइम दे रखा है, राइट। यानी फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता। फिक्स फैक्टर का मतलब है, ठीक है ना, जो फिक्स है कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, है ना। एक खेत है, एक ही खेत है। अब वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर, पहले एक लगा रखी थी, फिर दो लगा रखी, फिर तीन लगा दी, फिर चार लगा दी, फिर पांच लगा दी, फिर छह, एक ही खेत पे लगा रखे हैं, लेबर बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट, एक लेबर लगाई तो उसने 10 प्रोडक्ट बनाया, दो ने इतने बनाए, तीन हो गए तो इतने बनाए, चार हो गए तो इतने बनाए, पांच हो गए तो इतने बनाए, ठीक है ना। और छह हो गए तो भाई खेत तो एक ही था, हमने ज्यादा लोग लगा दिए, है ना, ठीक है ना। तो उल्टा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम हो गया, है ना भाई। जहां पे मैक्सिमम पांच लोग लगने चाहिए, वहां पे अगर आप पांच से ज्यादा लोग लगाओगे, ठीक है ना, तो उसका कोई फायदा थोड़ी मिलेगा, उल्टा नुकसान होएगा। तो नुकसान होगा यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्ट बढ़ने के बजाय कम हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, ये टोटल प्रोडक्ट से निकालते हैं। पहले वाला सेम रहता है, फिर इसमें से ये लेस करके मैंने ये निकाला है, इसमें से ये लेस करके मैंने ये निकाला है, इसमें से ये लेस करके मैंने ये निकाला है, इसमें से ये लेस करके ये निकला है, और इसमें से ये माइनस करके ये माइनस आ गया, राइट। अब सवाल उठता है कि सर आपने ये क्या निकाल दिया, ये फेजेज है। तीन फेज में देखना आपको, यानी टोटल प्रोडक्ट जो है ना वो तीन फेज में होता है। कैसे, देखिए समझे। सबसे पहला फेज कहां तक लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि इससे पहले तो जीरो रहा होगा, यानी कि खेत के ऊपर एक भी लेबर नहीं लगा रखी थी, तो आउटपुट भी जीरो रहा होगा, टोटल प्रोडक्ट भी जीरो रहा होगा। जब कोई व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा तो कुछ थोड़ी बना होगा, यानी यहाँ पे जीरो रहा होगा, यहाँ पे भी जीरो रहा होगा। फिर हमने एक बंदा रखा तो उसने, ठीक है ना, कितना बनाया, 10 बनाया, तो 10 में से जीरो गया, ठीक है ना, कितना आया, 10 रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर इससे पहले एक भी लेबर नहीं थी, जीरो, तो जीरो आउटपुट था। तो जीरो के बाद अगर एक लेबर लगा दी तो कितने से बढ़ाई, ये 10 से, यानी एक लेबर ने 10 बनाया, फिर एक लेबर और लगा दी, ठीक है ना, ओके। अब अगला जो डिफरेंस है ना वो या तो 10 होना चाहिए या 10 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। 10 और 30 में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, राइट। अब अगला जो डिफरेंस है वो या तो 20 होना चाहिए या 20 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसके इसके बीच में 15 का डिफरेंस है, यानी कि अब ये यहाँ ये नहीं चलेगा, यहां तक हो जाएगा फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज किसको बोलेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, इसको फर्स्ट पेज बोलते हैं। इंक्रीजिंग रेटिंग टू फैक्टर का मतलब होता है कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट मतलब पहले जितने से बढ़ा है उसके बाद वो या तो उतने से ही बढ़ा है या उससे ज्यादा से बढ़ा है, तो उसको बोलेंगे। अगली बार फिर चेक करो कि भाई अब की बार कितने से बढ़ा, 20 से बढ़ा, तो अगली बार 20 या 20 से ज्यादा से बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 से बढ़ा तो इसलिए यहीं पर रोक दिया हमें। ये हो गया फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज कहां तक लेना है, सेकेंड फेज वहां तक ले लो जहां तक ये मैक्सिमम पहुंच जाता है, यानी हम कहें तो एमपी जहां पे जीरो है, ये भी कह सकते हैं, है ना। वो क्या हो जाएगा, सेकंड फेज हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है, यहाँ पे भी देखो 30 से कितना हो रहा है, 45, 15, ठीक है ना, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, क्यों, क्योंकि पहले 20 से बढ़ा था, अब या तो 20 या 20 से ज्यादा से बढ़ना चाहिए था, लेकिन कितने से बढ़ रहा है, 15 से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ये देखो बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, 7 से। यहाँ पे देखो यहाँ तो कॉन्स्टेंट ही हो गया, बिल्कुल जीरो से बढ़ा ही नहीं है ना, इतना ही। तो ये जो फेज है इसको सेकंड फेज बोलते हैं, इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो ऑब्वियसली ये कम होने लग जाएगा, ये कम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कम हो गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। थर्ड फेज, यानी कि अगर एक बंदा और रख दिया आपने पांच के बाद, तो उसका रखने का कोई मतलब नहीं होता, उल्टा आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होएगा, क्लियर है। ये तो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल। अब इसके अंदर इंग्लिश क्या लिख रखे, इट्स स्टेट्स दैट, क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको बताता है दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी, ठीक है ना, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, यानी कि कहने का जाता है ये कह रहा है फिक्स फैक्टर में तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, बाकी में किसी में चेंज नहीं कर रहे, हम खाली लेबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यही बात इसने लिख रखी है। कीपिंग अदर इनपुट फिक्स लिख रखा है ना, कि यहाँ पे खेत तो फिक्स है, एक ही खेत है, एक ही खेत है हर केस में, लेकिन लेबर बढ़ रहा है ना, ठीक है, ओके। तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो कह रहा है टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ेगा बल्कि इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, यानी यहाँ पे भी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब है कम होने लगेगा, है ना। ओके क्लियर है, ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको अच्छे से कर लो, इम्पोर्टेंट है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ये आपके बीकॉम में भी काम आता है, और अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे तरीके से करें इसको, ठीक है। और अगर आप 11th क्लास में है तो भी आपके लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।